हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सौंदर्या। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नए लिपस्टिक का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है ब्रांड ब्लू हेवन से। ब्लू हेवन ने अपनी न्यू पाउडर मैट लिपस्टिक्स लॉन्च करी हैं। ये कुछ इस तरीके की ब्लैक मैट पैकेजिंग में आती है। इसके बैक ऑफ कार्डबोर्ड पे यहाँ मेंशन है इसका कलर नेम और नंबर, इधर प्राइस मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज बिफोर। 150 रुपीज़ इसकी MRP है और मैंने इसे अमेज़ॉन से बाय किया है। इसमें टोटल 20 शेड्स आते हैं, मैंने 10 शेड्स बाय किए हैं। तो चलिए ओपन करके देखते हैं अंदर से लिपस्टिक कैसी है। अंदर से लिपस्टिक कुछ ग्लॉसी फॉर्म में है, ये ब्लैक कलर की ग्लॉसी प्लास्टिक पैकेजिंग में है। इस तरीके से सील थी सारी लिपस्टिक्स, बिकॉज इससे हमें ये पता चलता है कि लिपस्टिक्स फ्रेश हैं कि नहीं, कहीं यूज़ तो नहीं की हुई हैं। सो मैंने सारी लिपस्टिक की सील हटा दी है। लिपस्टिक के बॉटम पे यहाँ शेड नंबर और उसके नेम सारे मेंशन हैं। और हम लिपस्टिक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको लिपस्टिक के बुलेट के पास आपको प्राइस, यूज़ बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ मेंशन की गई है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ ब्लू हेवन ने मेंशन करी है, बिकॉज हम यूजुअली कार्डबोर्ड पैकेजिंग फेंक देते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमें इसे कब तक यूज़ करना है। अब हम देख सकते हैं कि हम इस लिपस्टिक को कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी सारे लिपस्टिक ब्रांड्स को भी ऐसा ही कुछ अपनी लिपस्टिक में कुछ मेंशन करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हम इसे कब तक यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इसके टोटल 10 शेड्स मंगवाए हैं, तो वन बाय वन मैं आपको इन्हें ओपन करके और हैंड वॉश करके दिखाती हूँ। सारे लिपस्टिक्स के नेम और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उस लिंक से बाय कर सकते हैं। सो चलिए वन बाय वन अपनी लिपस्टिक के स्वाचेस देख लेते हैं। ये है फर्स्ट शेड स्कारलेट किस RM01। इसमें R का मतलब है रेड, इट मीन्स आपको लिपस्टिक के बैक पे R होगा तो वो रेड टोन में है, N होगा तो वो न्यूड है, B होगा तो वो ब्राउन टोन में है। चलिए वन बाय वन इनके स्वाचेस देख लेते हैं। ये है फर्स्ट शेड, शेड नंबर इसका स्वाच, ये है फर्स्ट शेड। सेकंड शेड है सेकंड शेड इज दिस ब्यूटीफुल रेड कलर। ये थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा मरूनिश रेड कलर है। दिस इज़ अ प्रॉपर रेड कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिंकिश रेड कलर है और ये मरूनिश रेड है। नेक्स्ट इज कोरल, कोरल टच 0.2। इसका शेड भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा शेड है। और लिपस्टिक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्रीमी मैट है और कलर पे ऑफ भी इसका बहुत अच्छा है। एक स्वाइप में बहुत अच्छा कलर आ रहा है, जैसे कि आप कलर देख रहे हैं, ये वाला कलर है कोरल टच। नेक्स्ट इज मोका मैडनेस, ये थोड़ा सा लाइट शेड है बिकॉज ये न्यूड शेड है जैसे कि आप देख रहे हैं, बट ये बहुत ही प्यारा कलर है। आप इसे डेली में और ऑफिस वगैरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोहगनी, ये देखिए इसका स्वाच,
ये अभी न्यू लिपस्टिक है इसलिए इसको थोड़ा स्वॉच करने में, ब्रांड न्यू है तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में ड्राई रहती है, फिर उसके बाद ये सही हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ब्राउनिश शेड, बहुत ही प्यारा कलर है, ये सारी स्किन टोन पे बहुत ही सुंदर लगेगा ये कलर, ये मेरा फेवरेट शेड है इसमें से। नेक्स्ट इज़ ब्रिक ब्यूटी, ये ब्राउन टोन में है जैसे कि आपने देखा इसके ऊपर ब्राउन मेंशन है, और ये भी बहुत प्यारा कलर है, ये देखिए बहुत ही सुंदर शेड है ये भी, ये भी सारे स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा ब्राउनिश पिंकिश कलर है मिक्स, और डेली में ऑफिस गोइंग और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उन पे भी बहुत अच्छा सूट करेगा। नेक्स्ट शेड है रूबी ग्लो, ये बहुत ही प्यारा रेड कलर है, देखिए कितना सुंदर रेड कलर है, आप देखिए ये तो सारी स्किन टोन, कोई भी स्किन टोन हो सबके ऊपर बहुत ही प्यारा लगेगा। और लिपस्टिक्स ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, ये बहुत ही अच्छे टेक्सचर में है और बहुत ही हाइड्रेटिंग और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं। नेक्स्ट शेड इज़ क्वीन रेड, ये देखिए ये इसका शेड है, ये रेड इस रेड से डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डीप रेड है, ये थोड़ा सा उससे लाइटर टोन में है, इसके अंदर पिंक मिक्स है, इसमें ब्लू टोन है। सो अगर आप मैक की रूबी वूल यूज़ करते हैं तो ये उसके बहुत क्लोज है, ये शेड जो मैंने अभी स्वॉच किया है दिस इज़ अ क्वीन रेड, ये मैक की रूबी वू के बहुत क्लोज है और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है इन लिपस्टिक्स का। सो आप ये लिपस्टिक्स ट्राई कर सकते हैं, इन लिपस्टिक के सारे ही शेड मुझे बहुत पसंद हैं। नेक्स्ट इज़ N04, ये प्यारा सा पिंक कलर है, जिनको पिंक कलर पसंद है देखिए ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, ये फेयर टू मीडियम स्किन पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है बिकॉज इट्स अ लाइट पिंक कलर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज RM05 चेस्टनट, ये शेड भी बहुत प्यारा है, ये देखिए ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा शेड है, ये सारे स्किन टोन पे जाने वाला है, बहुत ही प्रिटी शेड है, हल्का लाइट ब्राउन विद मॉव मिक्स, सो इट्स वेरी प्रिटी शेड, आप इसे डे या नाइट में कभी भी कहीं भी जा रहे हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो आप ये सारे लिपस्टिक के स्वाच देख सकते हैं, मैं इन सारे लिपस्टिक्स के नेम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी विद लिंक, तो अगर आपको वहाँ से बाय करना है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये लिपस्टिक के स्वॉचेज मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखा रही हूँ, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, ये नेचुरल सनलाइट में आपको सारे स्वॉचेज दिखाए हैं, आप इनकी पिगमेंटेशन देख सकते हैं कितनी पिगमेंटेड है ये लिपस्टिक, ये न्यू है इसलिए इनको 2-3 बार स्वॉच करना पड़ा बिकॉज दीज आर ब्रांड न्यू, इनको थोड़ा सा हार्डली प्रेस करना पड़ा, बट बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं, ये लिप्स को ड्राई नहीं करती हैं और ये फुल्ली लिक्विड मैट लिपस्टिक्स नहीं हैं, इनका फॉर्मूला क्रीमी मैट है, ट्रांसफर प्रूफ हैं, थोड़ा सा अगर आप खाएंगे तो आपके सेंटर से ये रिमूव हो सकती हैं तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लिपस्टिक्स बहुत ही अच्छी हैं। 150 रुपीज़ में ब्लू हेवन ने बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स लॉन्च करी हैं,
तो ऑल इन ऑल मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद आई। अगर आपको भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।